और दिल्ली वालों क्या चल रहा? कुछ अलग ही फीलिंग है जब पीसी के हम ज्वाइन करते हो, क्योंकि 3-4 साल हो गए इनके साथ। और जब आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था रिकी, और उनसे मिला, एक और नया रोल है तो बड़ी बातें हुई। और या ऑब्वियसली, और आज प्रैक्टिस मैच था तो मैं ट्रैवल करके आया, तो कोच ने बोला कि नहीं थोड़ा रेस्ट ले ले, एक प्रैक्टिस सेशन कर ले, उसके बाद हम देखते। तो या ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन रहा, और उससे और आगे और मस्ती हुई। पहले तो बहुत ही अच्छा हमारा वेलकम हुआ, जैसे टीसी टोली और सब बच्चे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब अच्छी फीलिंग आती है, घर की फीलिंग आती है, होम फीलिंग। जैसे हमारा वेलकम हुआ, सब बच्चे भी ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे और एक्साइटेड थे, तो काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि काफ़ी साल बाद हम ये स्टेडियम में खेल रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी फैंस भी होंगे डीसी के लिए। 4 या 3 साल के बाद हम आई थिंक खेल रहे, तो हमें चीयर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। अगर पर्सनल व्यू लो मेरा, तो अगर ये रोल आपको मिला है तो मतलब आप एज अ सीनियर प्लेयर ग्रो कर रहे हो, जितना आपने किया है टीम के लिए, तो वो एक बहुत ही मैटर करता है कि नहीं, आप जो आप करके आए उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और जैसे आप एज अ सीनियर प्लेयर आप टीम के साथ जुड़ रहे हो, और जो रोल मिला है आपको, मैं एक्साइटेड हूँ वो रोल के लिए। और हमको पता है कि मतलब टीम मोस्टली सेम है, हमारी टीम जो लास्ट 3-4 साल से खेल रही है, तो कौन कैसा प्लेयर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीवी के साथ मिलके मेरा यही रहेगा कि प्लेयर में टैलेंट है और वो सब है, तो वो टैलेंट को हम कैसे उनसे बाहर लाए और उनको एक अच्छा एटमोसफियर मिले। पहला गेस्ट आई थिंक कोई सीनियर प्लेयर होगा, और वो अपनी ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि आप गेस करो कौन सीनियर प्लेयर होगा, और हम जल्दी मिलेंगे डाई अक्सर प्रेम गेम, डाई अक्सर गेम के में।